करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमानी सहीफा नहीं, फैसले पर ईमान लाने का तकाजा न किया जाए। वजीर कानून पंजाब का ऐसा कहना है, तमाम तरतफुजात के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल किया है। राणा सनाउल्ला ने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को हमारे सामने खड़ा कर देगा तो क्या हम जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करना अदालती उज़्मा की इज्जत है। राणा सनाउल्ला ने कहा कि पहले दिन से जो मौकिफ अपनाया इस पर अब भी कायम है। इमरान खान ने इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट को बतौर सियासी जमात मुतारिफ करवाया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के वोट तकसीम करने के लिए साइंसी तरीके भी आजमाए गए। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमानी सहीफा नहीं, फैसले पर ईमान लाने का तकाजा ना किया जाए। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला का ऐसा कहना है, तमाम तर तहफुजात के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल किया। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को हमारे सामने खड़ा कर देगा तो क्या हम जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करना अदालत उज़्मा की इज्जत है। पहले दिन से जो मौकिफ अपनाया उस पर अब भी कायम है। इमरान खान ने इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट को बतौर सियासी जमात मुतारिफ करवाया। इस वक्त उनकी गुफ्तगू जारी है, आइए आपको सुनाते हैं। इसलिए वो कंपेन के इंचार्ज जो है वो नहीं बने, मलक परवेज साहब को बनाया गया था, उनको भी फिर जो है वो अलहदा किया गया। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि हमजा शहबाज साहब और मरियम नवाज एज फ्यूचर ऑफ PMLN, ये बात साबित हो गई है। इससे पहले जब जब भी हमजा शहबाज ने जो है वो मुख्तलिफ ज़िमनी इलेक्शंस को, जब तक MNAs पे पाबंदी नहीं थी, उन्होंने वहाँ पे जाके स्पीचेस की, वहाँ पे जाके कंपेन की, और इस मरतबा जो मरियम नवाज ने की है, उन दोनों की एक्सेप्टेंस जो है पार्टी जो रैंक एंड फाइल है, जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, उनमें उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है। जो जोश और जज्बा आपने इन ज़िमनी इलेक्शन में पहले हमजा शहबाज साहब के लिए भी और इस मरतबा जो है वो मरियम नवाज साहब के लिए देखा है, खुदा की कसम अगर लाहौर से वो बाहर निकलेंगे तो ये जज्बा जो है आप लाहौर के इस जज्बे को भूल जाएंगे। आप नहीं, देखें इसमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, इसमें जो इलेक्शन कमीशन है कागजात की एक्सेप्टेंस जो है वो तो इलेक्शन कमीशन करता है। हम तो खुद अपने कागजात की जो एक्सेप्टेंस के लिए, बल्कि आप देखें ना, यानी 17 तारीख को इलेक्शन हो और आपके कागजात की जो है वो के ख़िलाफ़ अपील जो है वो 18 तारीख को पेंडिंग हो तो क्या मैसेज आता है। तो हम अल्लाह अल्लाह करके जो है वो हम इन चीज़ों को, तमाम तर तहफुजात के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल किया, ऐसा कहना है वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला का। पहले दिन से जो मौकिफ अपनाया उस पर अब भी कायम है। इमरान खान ने इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट को बतौर सियासी जमात मुतारिफ करवाया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के वोट तकसीम करने के लिए साइंसी तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया। जी नहीं, मोहतरमा पंजाब राणा सनाउल्ला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने तमाम एतराजात के बावजूद अदालती फैसले को कबूल किया।